क्वेश्चन टू, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन टू पार्ट वन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन टू का पार्ट वन कैसे ठीक है, हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना है विदाउट एनी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नहीं करना, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, बिना किसी एक्सपेंशन के इसकी वैल्यू आपको बताना है। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट जो है ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, पी माइनस टू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना बिना किसी एक्सपेंशन के, हमको इसकी वैल्यू बताना है। तब क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, और किसी दो रो दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखाते हैं, या एक कॉलम या एक रो को दूसरे का एक स्केलर मल्टीपल दिखाते हैं, एक कांस्टेंट मल्टीपल दिखाते हैं, या फिर किसी एक रो एक कॉलम को किसी एक रो एक कॉलम के सभी एलिमेंट को जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से जो वैल्यू मिलेगी वो डिटरमिनेंट उस रिलेटिव डिटरमिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या बताए, इसमें जैसे हम सी वन रिप्लेस बाय सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दे रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉलम सी वन रिप्लेस बाय सम ऑफ कॉलम वन टू एंड थ्री, तीनों कॉलम के सम से इसको रिप्लेस करते हैं, सी वन रिप्लेस बाय सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। ठीक है, और सेकेंड कॉलम पहली चीज कॉपी कर लेते हैं, थर्ड कॉलम की जरूरत नहीं है, बिना किसी एक्सपेंशन से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब चलिए आंसर टू वाली है, आंसर टू पार्ट टू। तो डिटरमिनेंट कितना दिया है, डिटरमिनेंट दिया है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये आपको डिटरमिनेंट दिया है, फिर जेड एक्स एंड वाई दिया है, टू टू एंड टू दिया है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना है विदाउट एनी एक्सपेंशन। इसमें क्या कहते हैं, हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखा देंगे, या फिर दो रो को आइडेंटिकल दिखा देंगे, फिर या तो किसी एक रो को दूसरे का आर्टिकल मल्टीपल दिखा देंगे। ठीक है, या फिर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम को जीरो दिखा देंगे। अगर ऐसा दिखा देते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी मिल जाएगी ना। ठीक है, देखें जिसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम किसी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल शो कर रहे हैं,
या इस एलिमेंट को जीरो लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, रो फर्स्ट रो को जो है सम ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो से रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट रो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड रो को क्या करें, थर्ड रो को क्या करें, दो से डिवाइड करके रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड रो को दो से डिवाइड करके रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, तो डिटरमिनेंट डेटा इसको क्या हो जाएगा, आप देखें इसमें दो से हम डिवाइड कर रहे हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टू वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, आर वन इज रिप्लेस बाय आर वन प्लस आर टू कर दें, तो एक्स प्लस वाई आर वन एक्स प्लस वाई ले दीजिए, आर टू क्या है जेड है क्या जेड ले दीजिए। इसमें क्या होगा, वाई प्लस जेड आर वन है और एक्स आर टू है, जेड प्लस एक्स आर वन है वाई आर टू ना। और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो सेकेंड रो एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक है। थर्ड रो में क्या कर रहे हैं, इसको दो से डिवाइड कर रहे हैं, इस एलिमेंट को दो से डिवाइड कर रहे हैं, वन वन एंड वन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो का इस एलिमेंट क्या है, बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन कॉम्पिटेटिव, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ वाई प्लस जेड प्लस एक्स है, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन तीनों वैल्यू सेम है क्योंकि एडिशन इज कॉम्पिटेटिव ना, इस प्रॉपर्टी से ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब आपका क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट वन हो गया, ये एलिमेंट वन हो गया, ये एलिमेंट वन हो गया, ठीक। और सेकेंड रो आपका जेड एक्स वाई है, थर्ड रो आपका क्या है, वन वन एंड वन, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाते हैं ना, फर्स्ट और थर्ड रो क्या हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है। तो इफ टू रोज आर टू कॉलम्स आफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी सो किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है, इस तरह से फोर डिटरमिनेंट आपका क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या देना कि हम किसी बिना किसी एक्सपेंशन के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर देना ना, ये आपका क्वेश्चन है, पहले कि विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसमें आपने किसी एक्सपेंशन का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक। चलिए कॉपी करिए।